hello students how are you all i hope everyone is doing well uh, as you know we have completed our 14 chapter in gk uh, book so uh, i am going to uh, start today chapter 15 uh, page number 20 our national symbols there are some symbols that represent our nations uh, these symbols are called our national uh, symbols तो आपको पता है विच इज़ अवर नेशनल बर्ड पिकॉक देन आपको वन इस तरह से डाउन पिकॉक इस तरह से फिल करना है नेशनल फ्रूट मैंगो तो सेकेंड नंबर पे आप मैंगो फिल करेंगे बनियान इज अवर नेशनल ट्री है नेशनल फ्लावर इज लोटस और टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल और ट्राई कलर इज अवर नेशनल फ्लैग तो ये अपने नेशनल सिंबल्स हैं और आप अब क्लास वन में आ चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं और आपको पता है अवर नेशनल एंथम जो है वो मन है जो अ, अवर नेशनल एंथम मन वॉज रिटन बाई रविन्द्र नाथ टेगोर और वंदे मातरम अवर नेशनल सॉन्ग इट वॉज रिटन बाई चंद्र चटर्जी तो ये हमारे नेशनल सिंबल हो गए ये आपको स्टडी करना बिकॉज ये एग्जाम्स में आएंगे अब नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ इंडिया एज़ यू नो इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ फेस्टिवल मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया लुक्स इट द पिक्चर्स एंड नेम द फेस्टिवल्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स ये देखिए होली uh, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर रक्षाबंधन ये रक्षाबंधन है ठीक है इंडिपेंडेंस डे फिर यहाँ पे दिवाली लोहरी और क्रिसमस दशहरा पोंगल और ये ईद इस तरह से इंडिया में ये फेस्टिवल्स जो है बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं ये पेज नंबर ट्वेंटी वन है वैसे ऑलरेडी आई हैव सेंड पी डी एफ रिलेटेड ऑल दिस चैप्टर सो आप उन्हें देख के फिलअप करिएगा अब है चैप्टर एटीन पे आ जाइए पेज नंबर ट्वेंटी थ्री है यहाँ पे देर आर देर आर देर आर मैनी प्लेसेज इन इंडिया दैट रिमाइंड अस अवर ग्लोरियस पास्ट ये रेड फोर्ट है देखिए रेड है और इसीलिए इसका नाम रेड फोर्ट है ये ताजमहल है ये गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में ये लोटस टेम्पल है देखिए और दिस इज गेट वे ऑफ इंडिया और ये चार मीनार है तो ये आपकी पिक्चर है uh, और द नेम ऑफ द ताजमहल मीन्स इज़ द क्राउन ऑफ प्लेस ठीक है इस तरह से ये हो गया अब आप आइए नेक्स्ट चैप्टर सेवनटीन पे ही इज़ नॉन इज द फ़ादर ऑफ़ नेशन हीज़ नेम इज़ महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के नाम से बापू जो राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते थे वो है महात्मा गांधी

ही इज़ नॉन इज द मिसाइल मैन हिज नेम इज़ ए पी जी अब्दुल कलाम इस तरह से आपको क्लू बॉक्स दिया जाएगा आपके को इनमें से क्लू uh, बॉक्स से आपको इन्हें हेल्प से आपको इन्हें फिल करने अब ये है फेमस फूड ये जो रसगुल्ला है रसगुल्ला जो है बंगाल की बंग, वेस्ट बंगाल की जो मिठाई है पोंगल जो है सेकंड नंबर देखिए इस तरह से मैंने मैच नहीं करके इस तरह से पोंगल तमिलनाडु का है लस्सी जो है पंजाब की है वड़ा पाव महाराष्ट्र बीसी बेले बात फाइव नंबर का देखिए कहाँ पे फिल किया मैंने कर्नाटका ठीक है और ये पैसा रिट्टू सिक्स जो नंबर है वो आप आंध्र प्रदेश में है, ढोकला है गुजरात का फेमस फिश टेंगा जो है असम में और एवाइल जो है Uh, सबसे लास्ट नाइन जो है वो केरला की फेमस डिश है अब यहाँ पे नेम ऑफ सम डिशेस आ गिवन वेलू टिक ऑन स्वीट डिश एंड क्रॉस ऑन अदर्स जो स्वीट डिश है उस पर टिक लगाना है और जो नहीं है उसे क्रॉस करना है जैसे गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन इज़ ए स्वीट डिश तो गुलाब जामुन पे टिक लगाया समोसा है समोसा पे क्रॉस क्योंकि ये समोसा स्वीट डिश नहीं है गाजर का हलवा है मिठाई है मैसूर पाक मिठाई है तो टिक लगाया हुआ है बर्फ़ी जो है वो मिठाई है तो टिक है दाल मखानी है एक तरह से सब्जी है तो ये क्रॉस है जलेबी पे टिक है लड्डू पे टिक है टिक पेड़ा पे टिक है बिकॉज़ ये दोनों स्वीट डिश हैं पुलाव पे क्रॉस है कुल्फी पे इज ए आल्सो इज स्वीट डिश इडली है जो क्रॉस है और श्रीखंड भी एक तरह का स्वीट डिश है इस तरह से आपके नाइनटीन चैप्टर पूरे हो चुके हैं ये ट्वेंटी है मैज़िक uh, वर्ड जो होते हैं वेन यू आस्क फॉर समथिंग फोर फॉर समथिंग यू से तो एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं वेन यू वॉन्ट टू लीव द डाइनिंग टेबल यू से एक्सक्यूज़ मी वेन यू गेट अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे यू से थैंक यू वैन यू गो टू बेड एट नाइट यू से गुड नाइट तो वैन यू एक्सीडेंटली हर्ट समबडी यू से सॉरी तो पोलाइट वर्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन गुड क्लोथ्स और एक्सपेंसिव थिंग्स वी कैन विन मैनी हार्ट्स बाई से पोलाइट वर्ड्स पोलाइट वर्ड्स जो है हमें हमेशा यूज में लेने चाहिए क्योंकि ये एक इस तरह के वर्ड्स हैं जो आपको आप को मतलब पता लगता है उससे कि आप किस तरह के किस तरह के इंसान हैं तो और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए किसी भी एक्सपेंसिव थिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंप, है क्योंकि पोलाइट वर्ड एक तरह से मैजिक वर्ड है जैसे कि प्लीज फ्यूज मी सॉरी एक्सेट्रा और अराउंड द वर्ल्ड में हाउ ट्राई एरिया ये इस तरह से क्लू बॉक्स दिया जाएगा आपको तो डेजर्ट है तो इस तरह से डेजर्ट फिल किया वन पे अमाउंट ऑफ लैंड सेकेंड नंबर पे तो सेकेंड नंबर पे हिल है अ स्लो मूविंग मेश ऑफ आइस तो ग्लेशियर है इस तरह से क्लूबॉक्स में इसकी हेल्प भी आप ले सकते हैं और ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर तो कॉन्टिनेंट्स हैं इस तरह से आप ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर सॉरी आइलैंड है और ए वेरी लार्ज एरिया ऑफलाइन ये कॉन्टिनेंट्स हैं तो ये ट्वेंटी तो आपके हो चुके हैं एक बस जो चैप्टर फोर्टीन है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं ये द हैं सन कॉटन क्लोथ्स एंड कॉटन कोल्ड ड्रिंक समर में कोल्ड वेदर वॉम क्लोथ्स एंड होल्ड ड्रिंक विंटर में रेन पुडल एंड गम बूट्स मानसून में ये सीजन्स होते हैं समर सीजन विंटर सीजन आपको गर्मी कब महसूस होती है समर सीज़न में और आपको जब कोल्ड वेदर जो है अभी जो चल रहा है वो है विंटर जहाँ बारिश हुई वो मानसून है ब्राइट सनशाइन न्यू लीव्स ऑन ट्रीज़ एंड पिटी फ्लावर्स तो स्प्रिंग है कूल वेदर एंड फैलिंग लीव्स ऑटम हैं इस तरह से बच्चों हमारा ट्वेंटी चैप्टर तक हो चुका है और एग्ज़ाम में आपके आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं इनका पीडीएफ मैंने सेंड किया है सो प्लीज़ आप इन्हें फिल कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए सो बेस्ट ऑफ लक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय